जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग श्लोक 9। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्यतु तमः प्रमादे संजयत्युत। ओम। गीता 4 श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन का साथ मैं सभी लोग ना गुण त्रय विभाग योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहे अर्जुन, सत्वगुण सुख की इच्छा उत्पन्न कर रहा जिससे भौतिक सुखों का प्रति आसक्ति हो रहा। रजोगुण कर्म करने की इच्छा न उत्तेजित कर रहा जिसका परिणाम स्वरूप कर्म और काम का प्रति आसक्ति हो रहा। तमोगुण ज्ञान न अस्पष्ट कर रहा, भ्रम न बढ़ाओ दे रहा और अनुचित कार्यों में संलग्न होने की इच्छा न जन्म दे रहा। इसकी व्याख्या करकर श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट कर रहा कि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण हमारी इच्छाओं और आसक्तियों न कहीं प्रभावित कर रहा। इसलिए सत्वगुण की खेती करना और रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव न कम करने के लिए आओ मैं अपना सभी कार्य न श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा का रूप में करा और उनकी दिव्य सेवा में साधन का रूप में कार्य करा। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान करता हुआ आओ मैं श्रीमन नारायण न प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को सर्वोत्तम उपयोग करा, श्रीमन नारायण का प्रति समर्पण करा और श्री कृष्ण परमात्मा का वचनों न श्लोक का रूप में दोहरावा। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्यतु तमः प्रमादे संजयत्युत। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मन वो लोग पसंद है जो ई 8 बातों को पालन करें, मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिषे वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बहिया ही करूँगा जहाँ थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन न सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ई 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ कोनी जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन्नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन्नारायण, जिया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारा में सोचूँगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन्नारायण, जिया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन्नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन्नारायण, जिया थे अनुसरण करना बोला था मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचो वचन, हे श्रीमन्नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माँ सुचाहा याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातो वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद भागवत गीता देकर
मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनना को वादो करूं। मारो आठों वचन हे श्रीमन्नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने आठ वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन्नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन्नारायण। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्यतु तमः प्रमादे संजयत्युत। ॐ सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्यतु तमः प्रमादे संजयत्युत। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ों से तुरंत और सफल परिणाम चाहवा। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज एक मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्त्रोत को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्त्रोत को प्राप्त करने के लिए नारायण स्त्रोत वेबसाइट पर जाओ जो कि www.narayanstrot.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान की ईमेल पर थाना नारायण स्त्रोत PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्त्रोत कहा जावा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्त्रोत को पाठ पढ़े या सुने तो संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्त्रोत की पारायण की 24 माला रोज पूरी होगा। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन आइया करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्त्रोत प्राप्त करो। जय श्रीमन्नारायण।